हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेली स्पार्कली में। आज हम जानेंगे हाउ टू ट्रांसफ़र टेली लाइसेंस फ्रॉम ऑन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। आपका टेली लाइसेंस जो भी है, जो भी आईडी पासवर्ड है, आप उसको कैसे सरेंडर करना है एंड किसी और सिस्टम में या उसी सिस्टम में आपको दोबारा कैसे आपको टेली लाइसेंस एक्टिवेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेली ओपन करना है। मेरा टेली ऑलरेडी ओपन है। टेली ओपन करने में सबसे पहले आपको क्या करना है, गेट वे ऑफ टेली पे खड़े होकर आपको F12 प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये कॉन्फ़िगरेशन का एक चार्ट खुल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन चार्ट खुलने के बाद देखिए, सबसे नीचे से सेकेंड नंबर पर ऑप्शन है लाइसनिंग। जैसे ही आप लाइसनिंग पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है अपडेट लाइसनिंग एंड सिलेंडर लाइसनिंग। सिलेंडर लाइसनिंग पर आप जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आता है कंटिन्यू का ऑप्शन। जैसे आपको किसी भी, जैसे मान लीजिए ये मेरा लाइसेंस वर्जन टेली है, इसको मुझे सिलेंडर करना हो और मुझे किसी और सिस्टम में अपना लाइसेंस वर्जन खोलना हो, तो यहाँ सबसे पहले आपको इस ये वाले टेली से आपको सिलेंडर करना पड़ेगा। तो सिलेंडर करने के लिए जैसे आप सिलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आप यस कर दीजिए एंड यहाँ पर आपको ये आईडी पासवर्ड मांगेगा सिलेंडर करने के लिए। तो सिलेंडर करने के लिए जैसे मान लीजिए मैं आईडी पासवर्ड दे देता हूँ, देन यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, ये मेरी आईडी हो गई, पासवर्ड डालता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखिए ये मेरा लाइसेंस वर्जन जो है वो सिलेंडर हो चुका है। देखिए यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन लाइसेंस सिलेंडर सक्सेसफुली, देन आप इसको एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करते हैं देन आप इसको बैक कर दीजिए। तो देखिए मेरा जो लाइसेंस वर्जन था, जो मेरे टेली खुला था, ये अब सिलेंडर हो चुका है। देखिए अब मैं यहाँ पे जैसे ही दोबारा टेली ओपन करूँगा, देखिए यहाँ पे अब ये ऑटोमेटिक लाइसेंस वर्जन नहीं खुला है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि लाइसनिंग ऑपरेशन, मतलब आपको लाइसेंस वर्जन यहाँ पे वो करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। या तो फिर आप एजुकेशन मोड पे आप वर्क कर सकते हैं। एजुकेशन मोड पे आप वर्क करेंगे तो आपको GST नहीं देख सकते आप, एंड आप एक तारीख या दो तारीख या 31st तारीख के बाद आप डेट नहीं डाल सकते, तो आपको लाइसेंस वर्जन डालना जरूरी। लाइसेंस वर्जन डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीएक्टिवेट यूर एग्जिटिंग लाइसेंस। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मांगेगा कि आपको लाइसेंस वर्जन डालना है, आप यस कर दीजिए। जैसे आप यस का एंटर करेंगे तो देखिए आपको सामने ये इस टाइप का एक मेन्यू आ जाएगा जिसमें आपको लाइसेंस वर्जन डालना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरा आईडी डाला हुआ है, देन आप मुझे पासवर्ड डालना है। जैसे ही मैं पासवर्ड डालता हूँ एंड जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया कॉन्ग्रेचुलेसन, यूर लाइसेंस वर्जन इज सक्सेसफुली। इसी में एंटर करता हूँ तो ये मेरा लाइसेंस वर्जन खुल चुका है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि लाइसेंस वर्जन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी प्रेस कीजिए, ओ प्रेस कीजिए, GST। जैसे आप GST प्रेस करेंगे तो देखिए आपको GST R1, GST R2, GST R3 भी आ चुका है, मतलब आपका ये लाइसेंस वर्जन एक्टिवेट हो चुका है। थैंक यू दोस्तों।